और जो मुस्तफा को तस्लीम ना कर सका, जो अगर मगर करता रहा, अकल पे परखता रहा, कल भी काफर था आज भी काफर है। जिनको ज्यादा तकलीफ होती है जो हुजूर अलैहि सलाम के लिए पास टेंस इस्तेमाल करते हैं, कलमा तो वो भी पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इला नहीं, मुहम्मद अल्लाह के रसूल थे। बोलो की हो गया जे? ओ है यार, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट नहीं। ये दोनों कुरान की आयत हैं। जो कुरान कुरान का बड़ा टंडोरा पीटते हैं ना आपको डराने के लिए, रोब डालने के लिए, कुरान को मानते वो भी नहीं। उनको लेके आए जरा मेरे सामने, उनको पता चले पीछे से बातें करने से क्या होता है। वो गीदड़ जो है, गीदड़ पीछे बैठ के जो मर्जी करते हैं, शेर का क्या बिगाड़ लेते हैं। जो चूहे होते हैं ना, चूहे रैट्स, उन्होंने मीटिंग की, बिल्ली आती है हमें खा जाती है, उसका हल करें। कहता है एक हल है, एक बोला जो उसमें ज्यादा समझदार था उनका कोई चेला, वो कहता है यार किसी तरह से ना बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं, तो जब आएगी आवाज आ जाएगी हम सारे दाएं बाएं हो जाया करेंगे। उनका बड़ा अच्छा मशवरा है लंबड़दार जी थोड़ा, लेकिन मसला ये है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? ओए होए, नहीं समझे ये पीछे पीछे अगर मगर इफ बट करने वाले, इनमें जुरत ही नहीं के अली के इस नौकर के सामने आके बैठ के मुकाबला कर सके। पीछे जो मर्जी करते रहे, जहां भी कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आका अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, जमीर हमेशा प्रेजेंट रखी, अन्नबियो औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसहिम, नबी ईमान वालों की जानों से भी ज्यादा करीब है, था नहीं? बोलो यार है। अच्छा एक और कायदा बड़ा खास है, अगर कोई बंदा इधर मौजूद है तो अरबी में उसको कहूंगा हाजा, ये उर्दू में ये जो इधर मौजूद नहीं दूर है गायब है, उसे कहूंगा वो, दैट, दिस, होवा, हाजा, ये, वो, तीनों जुबानों में ये होगा। अब जो बंदा ये बैठा है इसे कहूंगा भाई वो बैठा है, वो ये बैठा है यार मेरे फ्रंट पे बैठा है, इसके लिए इस्तेमाल करूंगा ये, जो इधर नहीं वो। और होवा जो होती है ये अलामा साहब बैठे हुए, ये कायम मुकाम जमीर होती है, किसी के इसम पे आती है। फर्ज करो आपका कोई दोस्त है अनवर, आप कहते हैं अनवर आज नहीं आया, अब अनवर की जगह जमीर लगाएंगे कायम मुकाम, वो आज नहीं आया। अब कुरान मजीद का करें जरा मुताला, अल्लाह ने जब अपना जिक्र किया ना कुरान में तो अपने आप को कहा होवा, कुल आप कह दे हो वल्लाहु आहद, वो अल्लाह एक है, ये अल्लाह नहीं, वह हो वल हकीम उल खबीर, वो जो है ना वो, दैट इज गॉड, वो हकीम भी है खबीर भी है। अल्लाह ने कहा वो अल्लाह, ए हबीब तू तो है वो अल्लाह, दैट इज गॉड, बता पाक मोहम्मद भी वो नबी हैं, तू तो है ना वो अल्लाह, क्या रसूल भी वो नबी? सूरह आले इमरान आयत नंबर 68 अभी खोले, इन औलन्नास बे इब्राहिम लल्लजी नत्तबऊहु वहाज़न नबी, आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा वहाज़न नबी और ये नबी। मौला बात अकल के खाने में फिट नहीं हो रही, अपने लिए तू सीगा इस्तेमाल कर रहा है वो अल्लाह का, हालांकि तू शाहरग से भी ज्यादा करीब है, तो तू कह रहा है वो अल्लाह, नबी के लिए कह रहा है ये नबी। अल्लाह ने कहा मुझे कोई माने या ना माने, मेरे बारे में किसी का कीता नहीं कि अल्लाह गुजर गया, अल्लाह मर गया, अल्लाह को मौत आ गई, मैं अपनी कुदरतों से पहचाना जाता हूं, अपने अफाल से जाना जाता हूं, मेरे बारे में किसी का कीता नहीं कि अल्लाह मर गया, इसलिए मैं अपने लिए गायब का सीगा इस्तेमाल करूं, हाजा का करूं, प्रेजेंट टेंस करूं, पास्ट करूं, फ्यूचर करूं, मेरी रबूबियत में कोई फर्क नहीं आता। लेकिन प्यारे मुस्तफा 13 सदियों बाद कुछ ऐसे अलामे फामे पैदा हो जाएंगे जिनकी तकरीरें, जिनकी तहरीरें, जिनके खुतबे, जिनका कंसंट्रेट इस बात पे होगा कि मुस्तफा तू गुजर गया,
तू पास्ट हो गया अपने इस कुरान में हाजन नबी कह के, ये नबी कह के, प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करके इस तरह इस फितरे का कला कमा करता हूं। आज मक्का और मदीना की गलियों में तू खरा में नाच करता है, तू ये नबी है, ताइफ जाएगा ये नबी, तबूक जाएगा ये नबी, हुनैन जाएगा ये नबी, खैबर जाएगा ये नबी, मदीना जाएगा ये नबी, सदियां गुजर जाएंगी ये नबी, क़यामत आ जाएगी ये नबी। सोने जब कुछ ना था तू तब भी ये था, जब कुछ ना रहेगा तू तब भी ये रहेगा। सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, आका अलैहि सलाम को अल्लाह ने भेजा ही हाजिर और मौजूद बना के है। इन्ना अरसलना का शाहिदा, ए हबीबे मुकर्रम बेशक हमने आपको शाहिद बनाकर, आई विटनेस बना के, गवाह बना के भेजा है। अब बात बड़ी खास है, अब अल्लाह जो है, अल्लाह अल्लाह की रुबूबियत की जो गवाही है वो ताजदार कायनात है। बल्कि जो मैंने आयते मजीदा पढ़ी है, हर नबी की रिसालत, हर नबी की नबूवत, अल्लाह के होने की जो गवाही देने वाली जात है ना, उसका नाम मोहम्मद मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों को भी ये हदीस याद होगी, सही बुखारी में मौजूद है, इस्लाम याद की किताब में भी थी, कि जब आका अलैहि सलाम ने कुफारे मक्का को कोहे सफा पे बुलाया, ये सफा मरवा नहीं पहाड़ी का नाम है यार, मक्का में है, जहां सही करते हो जाते हो जब उमरा करने के लिए, हज करने के लिए, उस पर उनको दावत दी। जब दावत दी तो कम लोगों को पता इल्ला माशाल्लाह कि आका अलैहि सलाम जब कुफार को बुलाया तो पाक सईदा फातिमा बतूल जहरा सलामुल्लाह अलैहा उनको भी अपने हाथों पे उठाया हुआ था। कितने लोग हैं जो आपको ये बताते हैं, ऐसे हाथों पे उठाया हुआ था, कुफार सारे आ गए। अब आका अलैहि सलाम ने उनसे एक जुमला कहा, बड़ी खास बात है, हजूर ने फरमाया, ए कुफारे मक्का, अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आ रहा है, एक फौज आ रही है, आर्मी तुम पर हमला कर देगी, तो मेरी बात मान लोगे? जितने भी काफिर थे कुफार सब ने कहा मान लेंगे। आका अलैहि सलाम ने फरमाया, भाई तुमने तो लश्कर देखा ही नहीं, तो बिन देखे कैसे मान लोगे? सारे कुफार मिलके कहते हैं, इसलिए बिन देखे आपके कहने पे मान लेंगे, 40 साल आपने हमारे अंदर गुजारे, कारोबार किया, लेन देन किया है, आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, आप सच्चे हैं, तो लिहाजा आपने तो कभी झूठ बोला ही नहीं, आप पर एतमाद करते हुए बिन देखे उस लश्कर का होना मान लेंगे। अब मेरे और आपके प्यारे आका ने फरमाया कि जिस तरह बिन देखे मेरे कहने पे लश्कर का होना मान रहे हो, मेरे कहने पे, वो एक है, वो एक है, ये भी मान लो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप समझदार हैं, उस वक्त जिन्होंने अल्लाह को एक मान के कलमा पढ़ के जो मुसलमान हो गए, उन्होंने अल्लाह को माना के पाक मोहम्मद को माना? बोलो यार, वो तो कहते थे हजूर उनको मनवा रहे हैं जो ना दिखाई देता है, ना सुझाई देता है, ना अकल खिर्द में आता है, ना हमारी नजरें उसका इहाता कर सकती है, ना उसको देख सकती हैं, हजूर ने कह दिया ना एक है, वो जो हजूर के कहने पे उसको एक मान गए मुसलमान हो गए, तो जो इसको अकल और खिर्द पे परखते रहे, यार ये कैसा एक है, ये कैसा गॉड है, कैसा इलाह है, खुदा है, ना दिखाई देता है, ना सुझाई देता है, ना अकल और खिर्द में आता है, जो अपनी अकलों पे अगर मगर करते रहे वो काफर के काफर ही रहे। हजूर ने फरमा, जुमला कहने लगा हूं, हजूर ने फरमा दिया, मुसलमानों मुझ पे ईमान लाने वालों, अच्छे अमल करोगे क्यामत के रोज जन्नत मिलेगी। ना किसी ने जन्नत देखी, हजूर ने कह दिया, कहते ठीक है जन्नत है, हजूर ने फरमाया गुनाह करोगे जहन्नम में जाओगे, किसी ने जहन्नम देखी? हजूर के कहने पे मान लिया, हजूर ने फरमाया हूरें मिलेंगी, गिलमान होंगे, नहरें बह रही होंगी, अल्लाह का अर्श है, जो जो मुस्तफा कहते गए मुसलमान मानते गए। अगर मैं एक लाइन में, एक फिक्रे में कहूं ना कि इस्लाम क्या है,
तो एक जुमला कहूंगा, सारे का सारा इस्लाम मोहम्मद को मानने का नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। हजरत जी आज 1400 सालों बाद नमाजें पढ़ते हो, रोजे रखते हो, हज करते हो, उम्रे करते हो, वो एक है, वो एक है, वो एक है का ढिंढोरा पीटते हो, बता किसके कहने पे? कुरान तुझ पे नाज़िल हुआ? जिब्रील तेरी तरफ आया? नहीं, जो मुस्तफा ने कह दिया, जिसने मान लिया वो मुसलमान हो गए, और जो मुस्तफा को तस्लीम ना कर सका, जो अगर मगर करता रहा, अकल पे परखता रहा, कल भी काफर था आज भी काफर है। अब मैं जरा सादा करने लगा हूं, मसला बड़ा वाज़े हो गया कि अल्लाह ने अपनी तौहीद की गवाही के लिए, अपने इलाह होने की गवाही के लिए प्यारे मुस्तफा को भेजा, यानी हजूर अलैहि सलाम अल्लाह की दलील बन के आए। क्या बन के आए? बोलो यार, वो एक है, अल्लाह है दावा, अल्लाह है दावा, और हजूर हैं उस दावे की दलील। फर्ज करे कोई बंदा आके इधर हमें कह दे, अल्लाह ना करे, बात समझाने के लिए कह रहा हूं कि कराची धमाका हो गया, कोई आके इधर खबर दे हमें, खबर खबर देने वाला मुखबिर, वो आके भाई कराची धमाका हो गया, आप पहले उस बंदे को देखेंगे, यार जो मुखबिर है, जो आपको कह रहा है कराची धमाका हो गया, अगर तो बंदा होगा ना सच्चा, सादिक, अमीन, तो आप कहेंगे बंदा सच्चा यार, जो बात कर रहा है सच्ची होगी। अगर बंदा होगा झूठा, आप कहेंगे दफा करो यार, है झूठा, आप खबर को मानेंगे? बोलो यार, पता चला कानून ये है, आईन ये है, दस्तूर ये है, पहले मुखबिर को माना जाता है, फिर उसकी खबर को माना जाता है। अल्लाह है एक खबर, मोहम्मद और रसूलुल्लाह मुखबिर। मौलवी जी, जो मोहम्मद को नहीं मानता वो अल्लाह का लगता क्या है? पहले मोहम्मद को मानना होगा, फिर अल्लाह को मानना होगा, पहले रिसालत को मानना होगा, फिर तौहीद को मानना होगा, पहले रिसालत की गवाही, फिर तौहीद की गवाही, पहले मोहम्मद और रसूलुल्लाह, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह। इसीलिए जब कुफार इनकार करते थे अल्लाह की वाहदानियत का, अल्लाह के इलाह होने का, अल्लाह के मबूद होने का, अल्लाह के खुदा होने का जब इनकार करते थे ना, तो हजूर अलैहि सलाम से एक सवाल करते थे। अगर आप सूरह राद पढ़ें, ये सूरह इब्राहिम जहां से शुरू होती है उससे पीछे पिछली आयत है, ये बड़ी खास बात है, बड़ी खास बात। हजूर अलैहि सलाम से गवाही मांगते थे कि अल्लाह को कैसे मांग लें, तो हुजूर फरमाते थे 40 साल तुम्हारे अंदर गुजारे हैं मैंने, मुझे देखो, मैं जो कह रहा हूं एक है। हजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम जो हैं ये तौहीद की गवाही बन के आए, यानी रिसालत जो है ये तौहीद की गवाही बन के आई। नुक्ता बड़ा खास है, बड़ा खास नुक्ता है, जो सूरह रात मैंने पढ़ी, अलामा साहब सीना ठंडा हो जाएगा। कुरान कहता है भाई यकूलुल्लज़ीना काफरु लस्ता मुरसला, कुरान कहता है काफर कहते थे ए नबी तुझे रसूल भी मान लेंगे, उसे एक भी मान लेंगे, ऐसा कर कोई गवाह ला, कोई बोलो यार, कोई गवाह ला, कोई आई विटनेस। तो अल्लाह क्या कहता है, कुल कफा बिल्लाह शहीद बैनी व बैनकुम। अल्लाह ने कहा सोने तुझसे गवाह मांग रहे हैं ना तेरी रिसालत का, तेरी नबूवत का, कह दो इनको मेरी नबूवत और रिसालत पे अल्लाह ही गवाह काफी है, अल्लाह ही, जागो जरा, अल्लाह ही। वो काफर कहते भाई अल्लाह गवाह कैसे मान ले, जो ना दिखाई देता है ना सुझाई देता है, ना अकल खिर्द में आता है ना नजर आता है, हम तो आपको नबी नहीं मान रहे, तो उसको एक बिन देखे कैसे मान ले, अल्लाह की गवाही नहीं चलेगी। मैं कुरान दे रहा हूं यार, किससे नहीं दे रहा। जब उन्होंने कहा ना अल्लाह की नहीं चलेगी, तो अल्लाह ने कहा अच्छा फिर आगे भी कह दे इनको, वह मन इन दहू इल्मुल किताब। लो जी गाल ही मुक गई, सोनिया कह दे इनको मेरी नबूवत और रिसालत पे गवाही मांगते हो, अल्लाह की तौहीद का गवाह मोहम्मद है, अगर मोहम्मद की रिसालत और नबूवत की गवाही मांगते हो तो मेरी नबूवत और रिसालत का वो शख्स गवाह है जिसके पास किताब का इल्म है। ओए होए, अब तरतीब बन गई, तरतीब ये बनी कि अल्लाह ने अपनी तौहीद की गवाही के लिए हजूर को भेजा, अब हजूर की नबूवत और रसालत की जो गवाही है वो एक बंदा है
जिसके पास किताब का इल्म है। ये अहले सुन्नत की 70 किताबों के हवाले में शार्ट कर रहा हूं, समरी दे रहा हूं, T20 भी नहीं, सुपर ओवर दे रहा हूं, कूजे में समंदर को बंद कर रहा हूं। कुछ 70 हवाले पड़े हुए। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रवायत करते, वो कहते वो मन इंदहू इल्मुल किताब वहोवा अली इब्न अबी तालिब। वो कहते अल्लाह ने जो कहा ना, ए हबीबे मुकर्रम, ए रसूले मोहतशम, आपकी नबूवत और रिसालत का गवाह मांगते, गवाही मांगते हैं। तो वो जो एक बंदा जिसके पास किताब का इल्म है, नॉलेज है, फाम है, अदराक है, शऊर है, वो आपकी नबूवत और रिसालत का गवाह है, और उस जात का नाम अली इब्न अबी तालिब है। पूरी कायनात में पाक मोहम्मद के बाद कोई ऐसी शख्सियत, कोई ऐसी हस्ती नहीं है जिसके पास किताब का, कुरान का, तौरात का, अंजील का, जबूर का, कायनात की बिगिनिंग से लेके कायनात की एंडिंग तक का इल्म हो। वो एक ही जात है और उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। यानी आका अलैहिस्सलाम अल्लाह की तौहीद के गवाह बन गए और अली अलैहिस्सलाम हजूर अलैहिस्सलाम की रिसालत के गवाह बन गए। इसीलिए मेरे और आपके प्यारे आका ने फरमाया था, या अली यो मन अनकर इमामत का, अली जिसने तेरी इमामत का इनकार किया, फकत अनकर नबूवती, उसने मेरी नबूवत का इनकार कर दिया। अली की इमामत का इकरार मेरी रिसालत का इकरार है, अली की इमामत और विलायत का इनकार मेरी नबूवत और रिसालत का इनकार है। बल्कि ये जो शर्त, ये जो कंडीशन बयान की है ना अल्लाह ने कि उस बंदे के पास किताब का इल्म है, किताब का, इतनी जल्दी मैंने आज तक की नहीं, 7 बजे का टाइम था, लेट हो गया। अब मैं क्लोजिंग पे हूं, बिल्कुल मैंने आगे जाके पढ़ना है। तवज्जो के साथ एक नुक्ता समझिएगा। अब चूंकि अल्लाह के ने अपनी तौहीद की गवाही के लिए रसूल को भेज दिया और रसूल की रिसालत की गवाही के लिए प्यारे अली अलैहिस्सलाम को, कुछ लोग कहते हैं जिनको मीम से मरोड़ होता है, मीम के मुनकरों को बड़े मरोड़ उठते हैं। वो कहते हैं वो जिसके पास किताब का इल्म है ना, वो है अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला ने, एक सहाबी हैं, पहले वो यहूदी थे और यहूदी थे हजूर से मनाजरा करने आए थे, लेकिन जब वद्दुहा के मुखड़े को देखा मनाजरा हवा में, कदमों पे गिरे, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अब बड़ी खास बात है, अब्दुल्लाह बिन सलाम है मदनी सहाबी, और ये जो जितनी भी तौहीद की आयात है ना, ये सारी मक्का में है। नहीं समझ रहे, और काफर मक्का में ही तो थे, मदीना में काफर नहीं थे, यहूदी थे, यहूदन सारा थे, तो सारी आयात मक्का में नाजिल हुई। ये आयत मजीदा मक्की है। वो अब्दुल्लाह बिन सलाम का तो नामो निशान भी नहीं था उस वक्त। और अगली बात, बात हो रही है हजूर के नबूवत के गवाह की, हजूर के नबूवत के, तो गवाह आई विटनेस जिसे कहते हो, वो गवाह तो वही होता है ना जो किसी वाकया में वहां हाजिर और मौजूद हो। नहीं समझ रहे। अच्छा, हजूर कह रहे हैं कि मेरी रिसालत का जो गवाह है वो अली है, तो गवाह तो तभी होगा ना जब अल्लाह हजूर को रिसालत का ताज पहना रहा था, तो गवाह वहां मौजूद हो यार। तो जो पैदा ही यहूदी हो, जो पैदा ही यहूदी हो, उसने आका अलैहि सलाम की नबूवत और रिसालत की क्या गवाही देनी है भाई, बोले। इसके ऊपर मैं हदीस देता हूं आपको, हदीस देता हूं जिसको इमाम दैलमी मुसनद अल फरदोस में लेके आए। आका अलैहि सलाम फरमाते हैं, हदीसे कुदसी है, आका अलैहि सलाम फरमाते हैं, जब अल्लाह ने कायनात में अभी कोई चीज तखलीक ही नहीं की, सबसे पहले मेरा और अली का नूर तखलीक किया। ये नूर वाली हदीस और है जिसको इमाम अहमद बिन हम्बल ने रवायत किया फजाइले सहाबा में, ये मेरे मोबाइल में पड़ी है सारी हदीसें। हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 1130। हजूर बड़ा कुन तो आना व अली जो नूरन बैन यदिल्लाह कबला यखलक आदम, सबसे पहले अल्लाह ने मेरा और अली का एक नूर बनाया अपने नूर से, खुलिक्तो आना वालियन में नूरन वाहिद, आकर्षण मेरा और अली का सिंगल नूर, अल्लाह ने मुझे और अली को एक नूर से तखलीक किया। अली और रूही, अली और नफसी,
अली मेरी रूह, अली मेरी जान, अली उन लहमी, अली उन दमी। यानी सबसे पहले नबी और अली को अल्लाह ने अपने नूर से तकलीफ कर लिया। बोलो यार। उसके बाद फिर आदम और दीगर अंबिया की अरवा को बनाया। जब दीगर अंबिया की अरवा को बनाया तो उनके ऊपर दो नूर चमकने लगे। मैं हदीस दे रहा हूं, किसे दे रहा हूं यार? अभी तक वो मां भी पैदा नहीं हुई जिसने जो मुफ्ती पैदा करना है, जो मेरी कई बात को रद्द कर दे। किसी के मरोड़ का मेरे पास इलाज नहीं। हाँ, ये फतवे लगाता रहे शिया राफजी, ये कहता रहे, बात का कोई माई का लाल इनकार नहीं कर सकता। अंबिया की अरवा के ऊपर दो नूर चमक रहे। अंबिया ने ऊपर करके देखा तो दो नूर चमक रहे थे। जब दो नूर चमक रहे थे तो सारे अंबिया की अरवा ने पूछा, मौला ये कौन है? अल्लाह ने तीन जुमले कहे हैं, तीन। पहला, आना रब्बुकुम। ये खिताब हो रहा है अंबिया रुसल की अरवा को, मुझे और आपको नहीं। पहला, मैं तुम्हारा रब हूं, मैं तुम्हारा। और दाएं तरफ एक नूर चमक रहा था, एक इधर बाएं तरफ। अल्लाह ने फरमाया, हाजा मुहम्मद नबीयुकुम, ये मुहम्मद तुम्हारा नबी है। यानी नबियों का भी नबी। जुमला अगला सुने, हाजा अली अमीरुकुम व मौलाकुम, ये अली तुम्हारा अमीर भी है, अमीरुल अंबिया। ओए होए। और तुम्हारा मौला भी है। ओए याली, मदद के मुनकरा नबियों के मददगार को अली कहते हैं। बल्कि जो इमाम दैलमी और खतीब बगदादी इब्ने असाकिर जो दीकर कुतब में रवायत लेके आए हैं, वहां एक और भी मिसाक लिया अल्लाह ने अंबिया से। अल्लाह ने कहा कि नबूवत और रिसालत उसे मिलेगी जो मेरे नबी की रिसालत की दुनिया में जाके प्रचार करेगा, खबर देगा, बिशारत देगा, नबी के हाथ में बैत करेगा। और मेरा काम है दिखाना, मनाना नहीं। जुमला अगला है, अल्लाह ने कहा दूसरी शर्त यह है कि नबूवत और रिसालत उसे दूंगा जो मोहम्मद के भाई अली की विलायत की भी गवाही देगा। हाय हाय हाय। इधर अली और वलीउल्लाह पढ़ोगे तो नबूवत और रिसालत मिलेगी। पता चला हजरत जी ला इलाहा इल्लल्लाह का गवाह मोहम्मद और रसूलुल्लाह है, और मोहम्मद और रसूलुल्लाह का गवाह अली और वलीउल्लाह है। इसलिए कि ये तरतीब ही ये है, जिस तरह ताजदारे कायनात इस वक्त कायनात में हाजिर और मौजूद हैं, इसी तरह अली अलैहिस्सलाम हाजिर और मौजूद हैं। हजूर ने फरमाया था, इन्ना मा आना कासिबन वल्लाह युती, अल्लाह मुझे अता करता है, कायनात में तकसीम मैं करता हूं। वो यारो अल्लाह अता करता है, कहते हैं अल्लाह से मांगना चाहिए। कहते हैं या अली मदद, ये हदीस है बुखारी की, इस पे या अली मदद का मुनकरों को ऐसा तमाचा है ना अदरीस भाई, कोई बड़े कब्रों से खींच के ले आए, माई का लाल रद्द नहीं कर सकता। बुखारी, बुखारी का डिंडोरा पीटने वालों, बेश के अली जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको, बुखारी नहीं आती। इन्ना मा है हसर, हसर कैसे समझाऊं? चलो फर्ज करें ये एक स्टैंड बना हुआ है माइक का, मैं कहूं कि ये जो स्टैंड है या डब्बी है ये सिर्फ लाला मूसा से मिलती है, ये सिर्फ लगा दू ना, सिर्फ ये है हसर, इसका मतलब है ये सिर्फ लाला मूसा से मिलती है, खारिया से नहीं, रावलपिंडी से नहीं, कहीं से नहीं, सिर्फ लाला मूसा से। इसे कहते हसर। सुनो जवाब यार, आका फरमाते इन्ना मा आना कासिमुन, हाय हाय वल्लाह योती, ओए अल्लाह देता है, अल्लाह देता है का डिडोरा पीटने वालों, अल्लाह से मांगना चाहिए। हाँ हाँ, मैं भी कहता हूं कि अल्लाह ही देता है, लेकिन अकल के अंदो देखो तो सही, अल्लाह देता किसे है? मेरे आका फरमाते अल्लाह मुझे देता है, कायनात में तकसीम मैं करता हूं। आप मुझे बताएं कि वो देने वाले का तो इकरार हो, तो तकसीम करने वाले का इनकार हो, नहीं समझ रहे यारो? जो तकसीम हो रहा है कायनात में, पांच तन दे घराने दी आशान दसा तेनू, ए कासम नी सारे ए झोलियां भरते ने,
یہ ساری کائنات کو جو تقسیم ہو رہا ہے, اللہ کی عزت کی قسم کھا کہتا ہوں وہ محمد اور آل محمد تقسیم کرتے ہیں, اللہ کی ذات سے لے رہے ہیں, ہائے ہائے, ایک ہاتھ سے اللہ سے لے رہے ہیں, اگلے ہاتھ سے کائنات کو دے رہے ہیں. وہ یارو اللہ کے تو ہونے کا دینے کا آپ اقرار کریں تو تقسیم کرنے والوں کا انکار کر دیں. تو جس طرح حضور حاضر اور موجود ہیں اسی طرح حضور کے ٹکڑے بھی حاضر اور موجود ہیں. کہیں فرمایا علی منی وانا من علی, علی مجھ سے میں علی سے, الحسن والحسین منی وانا منہما, حسن حسین مجھ سے میں حسن حسین سے, فاطمہ تو بدا تو منی, فاطمہ میرا ٹکڑا, اول نام محمد, آخر نام محمد, اوسط نام محمد, کلو نام محمد, یہ سارے کے سارے محمد کے ٹکڑے, محمد کا خون, محمد کا گوشت, محمد کی روح, محمد کی جان, محمد کا نور ہے. تو جب محمد کائنات کی ابتدا سے لے کے انتہا تک ہے مولوی جی, تو پھر مان لے محمد کے ٹکڑے بھی کائنات کی انتہا تک حاضر اور موجود ہیں. جس طرح محمد تقسیم کرتے ہیں اسی طرح محمد کے ٹکڑے تقسیم کرتے ہیں, جس طرح رسالت تقسیم کرتی ہے اسی طرح امامت تقسیم کرتی ہے. بلکہ ختم نبوت کی جو لوگ ریلیاں نکالتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, اگر علی ولی اللہ پہ ایمان لے آئے, نہیں سمجھے, ریلیوں کی ضرورت ہی نہیں یار, ختم. ختم نبوت کی سب سے بڑی جو دلیل ہے نا, جو اتھارٹی ہے, جو حجت ہے, وہ علی ولی اللہ ہے. بس گل ختم. جب علی علیہ السلام جیسی شخصیت نبی نہیں بن سکتی تو کانا شانا لنگڑا لولا کیسے بن سکتا ہے؟ بولو یار. اس لیے میرے دوستوں, میرے بزرگوں, یہ جو ترتیب تھی اللہ کے فضل و کرم سے, کبھی موقع ملا تو پھر میں آگے کھولوں گا مزید. بس یہی بات ہے, موٹی بات پلے باندھ لو, جب نبی کا میلاد مناؤ تو سب سے پہلے ابو طالب کا ذکر کیا کرو. نہیں سمجھ رہے میری بات. وہ یارو بچے کی مبارکباد بچے کو جا کے دیتے ہیں, میرا خیال ہے محلے میں کوئی بچہ پیدا ہو آپ جا کے کہتے ہیں اس بچے کو, بھائی مبارک ہو. بچے کو کہتے ہیں جی والدین کو, ادریس بھائی کہہ رہے ہیں والدین, وڈیا وڈیریاں جن کا بچے سے کوئی تعلق ہو اسے کہتے ہیں مبارکہ ہوں, جی رب نے پتر دیتا ہے آ میری طرف. محمد کے میلاد پہ جس کو مبارکیں ملی ہے نا, اس ہستی کا نام ابو طالب ہے. اوئے ہوئے ہوئے. اور یارو ایک جملے پہ میں ختم کرتا ہوں, آپ سمجھدار صدات بیٹھے ان کے قدم چوم رہا ہوں. آپ نے اکثر علماء سے سنا ہوگا, مولوی ذرا سے سنا ہوگا, حسنین کا نانا, وہ جاگو کی ہو گیا جی یار, حسنین کے نانے نے فرمایا, حسنین کے نانے نے کہا یہ, حسنین کے نانے نے وہ, حسنین کے نانا قربان, حسنین کے نانا. اے مولوی جی, حسنین کے نانے کا تو ذکر کرتا ہے, حسنین کے کبھی دادے کا ذکر بھی کر لے. اوئے ہوئے, نہیں سمجھ رہے. او یار حسنین کے دادے کا ذکر کرنے سے تیری زبان پہ چھالے کیوں پڑ جاتے ہیں مولوی جی؟ حسنین کے نانے کا تو ذکر اس لیے نہیں کرتا مرتا, دادے کا تجھے سمجھ آ گئی کہ وہ جو حسنین کا نانا ہے نا, جو بڑا اللہ, جو بڑا عرفہ, باطت خدا, بزرگ توئی, قصہ مختصر, جو ساری کائنات سے سب سے اللہ, جو حسنین کا نانا ہے نا, حسنین کے نانا جس کی گود میں پلے ہیں نا, وہ حسنین کے دادا ہیں. اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے, حسنین کے نانا کو جو حسنین کے نانا حسنین کے دادا کی گول میں پلتے رہے, حسنین کے دادا کے دیے لکمے کھاتے رہے, لباس پہنتے رہے, بستر پہ سوتے رہے. مولوی بتا, حسنین کے ننیال کا ذکر کرتا ہے تو ددیال کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے بغیر میلاد مکمل ہی نہیں ہوتا. مصطفیٰ کا میلاد وہ منائے جس کا سرکار ابو طالب سے رشتہ ہے. بچے کی مبارکباد گھر والوں کو دی جاتی ہے تو گھر والے کا نام ابو طالب ہے. اس لیے میرے دوستوں, میرے بزرگوں, ان کے ساتھ اپنا تعلق, اپنا رشتہ, اپنا واسطہ مضبوط کرو.
इनके बगैर गुजारा नहीं, इनके बगैर चारा नहीं। मिलाद मनाना है तो सरकार अबू तालिब से सीखो, सीरत अपनानी है तो सरकार अबू तालिब से सीखो। इनके बगैर ना गुजारा है, इनके बगैर ना चारा है। इसलिए हम तौहीद को भी मानते हैं, रिसालत को भी मानते हैं, विलायत को भी मानते हैं, क्योंकि तौहीद का गवाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है और मोहम्मद रसूलुल्लाह के गवाह अली वलीउल्लाह है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को जिंदा रखे तो इसी अकीदे पे, मौत आए तो इसी अकीदे पे। नारा है हैदरी।